नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:20 तक रहेगी। आज दोपहर 2:14 तक वृद्ध योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:09 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 17 अक्टूबर की सुबह 6:49 से शाम 4:21 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग रात 10:09 से कल सुबह 5:59 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:49 से दोपहर 11:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की शाम 4:20 से शाम 7:19 तक, और एक बार फिर रात 9:15 से रात 11:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की शाम 4:50 से शाम 7:49 तक, और एक बार फिर रात 9:45 से रात 11:59 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की शाम 4:20 से शाम 7:19 तक, और एक बार फिर रात 9:15 से भोर 4:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की शाम 5:08 से शाम 7:19 तक, और एक बार फिर रात 9:15 से रात 11:29 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 18 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर 1:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 17 अक्टूबर की शाम 4:58 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 2:59 से शाम 4:25 तक। मुंबई,
दोपहर बाद 3:20 से शाम 4:48 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3 से शाम 4:25 तक, लखनऊ दोपहर 2:45 से शाम 4:12 तक, भोपाल दोपहर बाद 3 से शाम 4:27 तक, कोलकाता दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:44 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:46 तक, चेन्नई दोपहर 2:52 से शाम 4:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आप जिस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आज हासिल हो सकता है। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम की जितना भी कठिन हो आपको एकाग्रता बनाए रखनी है। मनोबल और आत्मविश्वास बना रहेगा। प्रभावशाली लोगों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज यात्रा के सुखद परिणाम हासिल हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग्स की आपको सहायता मिल जाएगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद होगी। आज कारोबार में आपको फायदा होगा। इस राशि के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है। आज सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। साथ ही आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में लाभ पाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही आज आपको वाद विवाद से दूर रहना होगा ताकि आप अपना मन काम में लगा सकें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका काम धंधा अच्छा चलेगा। आपको किसी काम में मदद की जरूरत रहेगी। इस मामले में अच्छे दोस्त से सलाह मिल सकती है। पॉजिटिव नजरिए से जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज निपटाने के नए तरीके भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी सेवारत हैं उन लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं।
आज बिजनेस साझेदार के साथ मिलकर किए गए कामों से आपको फायदा हो सकता है। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज सेहत के मामले में सब बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा। आज शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी। अपने घर को डेकोरेट करवाने का विचार कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज कोई दोस्त आपसे मिलने घर आएगा, जिससे अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधियों में सफलता मिल सकती है। नए काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मौके को हाथ से न जाने दें। इस राशि के जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आज उनका वक्त अच्छा साबित हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम, तमाम काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नजर आ सकते हैं। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस होगा, परंतु आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ हद तक आप व्यस्त भी हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। जो काम जरूरी नहीं है, उन कामों में अपना समय बर्बाद न करके रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में होंगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इस राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी योजना को शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा है। भविष्य में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में बिजी रहेंगे। आपका दिन थोड़ा व्यस्त हो सकता है, परंतु शाम का समय अपने परिवार के साथ मस्ती में बिताएंगे। आप कोई साहित्यिक बुक पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलने के साथ ही व्यस्तता भी बढ़ेगी। मूलांक 2, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 3, आज प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। आपका कोई काम आसानी से हो जाएगा। मूलांक 4, आज आपकी संतान आपके किसी काम में मदद करेगी।
इससे आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 5, आज आपका साहस बढ़ेगा, साथ ही आज शत्रु आपके कार्य कौशल को देखकर नतमस्तक होंगे। मूलांक 6, आज आप जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देंगे, आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा, जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। मूलांक 9, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपके काम से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा में शौचालय के बारे में। शौचालय के लिए पश्चिम दिशा को द्वितीय दिशा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन ठीक पश्चिम दिशा में शौचालय बनाने से घर के हर्ष तत्वों में कमी आती है। घर के निवासियों के चेहरे उदास रहते हैं, घर की छोटी बेटी उदास और इंट्रोवर्ट हो जाती है, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस घर में डिप्रेशन का वास हो जाता है। घर के निवासियों के स्वास्थ्य में लोहा, जिंक, मैग्नीशियम और अन्य खनिज की कमी से दिक्कतें होती हैं। घर के सदस्यों का, विशेषकर महिलाओं का, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर किसी वजह से आपके घर के ठीक पश्चिम में शौचालय है तो आपको उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए उस दिशा में सफ़ेद रंग करवाना चाहिए, उस दिशा में मेटल से बनी कोई चीज़ लगवानी चाहिए या टॉयलेट का दरवाज़ा मेटल का होना चाहिए। कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर उस क्षेत्र में रखना चाहिए और कुछ दिन बाद नमक बदल देना चाहिए। साथ ही कुछ दिन के अंतर से दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच छोटी कन्याओं को गुड़ खिलाना चाहिए। ये उपाय करने से पश्चिम दिशा में शौचालय होने के बावजूद आपके घर की खुशियां बरकरार रहेंगी। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पश्चिम दिशा में शौचालय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:20 तक रहेगी। आज दोपहर 2:14 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य में कोई रुकावट नहीं आती, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। साथ ही आज रात 10:09 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूर्व भाद्रपद का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग नेक दिल और दयालु होने के साथ ही विचारों के भी खुले होते हैं और विचारों के धनी भी होते हैं। आमतौर पर ये लोग शांति प्रिय लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर क्रोधान्वेषित होने वाले, हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। पेड़ पौधों में पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को कभी भी आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद नक्षत्र 3रा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 17 अक्टूबर की शाम 4:20 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वृद्धि योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में।
बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है। चूंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगल का एक नाम भौम भी है, लिहाजा आज भौम प्रदोष व्रत है। आपको बता दूं कि मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है और आज भौम प्रदोष व्रत का दिन है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस दिन मंगल से संबंधित चीज़ें, गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से गौ दान के समान फल प्राप्त होता है। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ श्री शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से दान स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहे तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ ही भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें। पूजा के एक एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें और कहें ओम नमः शिवाय, फल अर्पित करें और कहें ओम नमः शिवाय। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने कर्ज के साथ ही मंगल से जुड़ी अन्य परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में उदासी ने अपनी जगह बना ली है, जिसके चलते आप अपनी कोई भी बात जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल या स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं नारियल पर और उस नारियल पर को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन से उदासी छू मंतर हो जाएगी। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें और पूजा के बाद उसे गले में धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यापार में हो रहे नुकसान से राहत मिलेगी और आपके व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप कर्ज के बोझ में फंसे हैं और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज भौम प्रदोष के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका कर्ज बहुत जल्द ही उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको भविष्य में कभी भी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। अगर आप अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते में प्यार भरना चाहते हैं, तो आज आपको मंगल यंत्र की
स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर आज आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए और उसमें 3 कॉलम बनाइए। अब हर एक कॉलम में 3 खाने बनाइए, फिर पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 8, 3, 10 और दूसरे कॉलम में दाईं से मतलब बाईं से दाईं तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड 9, 7, 5 लिखिए, फिर तीसरे कॉलम में दाहिने से बाईं तरफ 4, 11 और 6 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उस पर कम से कम 31,000 मंत्रों का जप करिए। मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। देखिए मंत्रों का जप किया जाना। अब यहां देखो जैसे का है, का तो का खा गा घा अंगा, इसका पंचमाक्षर है अंगा, तो जब का के ऊपर लगेगा तो क्राम क्रीम क्रौम नहीं होगा, क्रां क्रीं क्रौं अंगा लगेगा, क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। मंत्रों के जप से ही यंत्र प्रभावशाली बनता है। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करने से बड़े भाई के साथ आपके रिश्ते में प्यार बरकरार रहेगा। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए। साथ ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर नौकरी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विनती करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को मीठी रोटी बांटनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं तो आज आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसके पुए बनाएं और गाय को खिलाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ओम मंगलाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन में सभी चीज़ों पर बैलेंस बनाए रखने में जरूर सफल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो तो ऐसी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज किसी नाई या दर्जी को एक चॉकलेट गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आपको हनुमान मंदिर में मसूर की दाल दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज भौम प्रदोष व्रत के बारे में। आज विभिन्न समस्याओं से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपको बिजनेस के किसी जरूरी काम के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। बी, पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा। सी, आज आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक व प्रतिभावान मानेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। डी, आज कार्यस्थल पर लाभ आपको आर्थिक व भौतिकवादी सुरक्षा प्रदान करेगा। ई, आज आप जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालेंगे और मनपसंद काम पर फोकस करेंगे। एफ, आज आपके काम व निजी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, काम के बाद आपको आराम मिलेगा। जी, नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि बाहर की दुनिया में कितने नए अवसर हैं जो आपके इंतज़ार में हैं। एच, आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कानूनी क्षेत्र में मदद भी मिलेगी। आई, आज आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, कुछ नया सामान खरीदने की सोच सकते हैं। जे, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। के, आज जीवन साथी की बातों का खास ख्याल रखें, आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। एल, स्वास्थ्य की समस्या से परेशान लोगों को आज अच्छे डॉक्टर की सलाह मिलेगी।
एम, आज किए गए काम का अच्छा परिणाम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एन, वकीलों के केस में आ रही दिक्कत खत्म होगी, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। ओ, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आए इसलिए आप आज से मेहनत करने में जुट जाएंगे। पी, किसी काम की शुरुआत के लिए आज अच्छा दिन है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यू, आज ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो भविष्य में आपकी मदद कर सकते हैं। आर, आज आपको क्रेडिट कार्ड से फालतू खर्चों से बचने की आवश्यकता है। एस, अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। टी, आपके बच्चों को आज उनकी पसंद का उपहार मिलेगा, इस जिससे उनके उन्हें बहुत खुशी होगी। यू, आज पैसों के मामले में पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वी, आज फुल कॉन्फिडेंस से अपने रुके काम बनेंगे जिससे कार्य समय पर पूरा होगा। डब्ल्यू, आज आप किसी पुरानी बात को याद करके मन ही मन प्रसन्न होंगे। एक्स, आज परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सभी लोग काफ़ी खुश नजर आएंगे। वाई, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे और उसे उचित सलाह भी देंगे जो उसके काम आएगी। जेड, विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति मेहनत आज उनकी तरक्की के मार्ग खोल देगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के दर्शन। हनुमान जी का ये सिद्ध मंदिर गुजरात के सारंगपुर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी के भक्त उन्हें दादा के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर को बजरंगबली के अत्यंत सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से शनिदेव की भी खास कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शनिदेव ने खुद हनुमान जी को वचन दिया था कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर शनिदेव भी कृपा करेंगे। इस मंदिर में हनुमान जी के सामने शीश नवाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है दूर दूर से लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए कष्ट भंजन हनुमान मंदिर के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत का स्थान कनिष्ठिका उंगली के नीचे होता है। जिस किसी का बुध पर्वत पूरी तरह से विकसित होता है वह व्यक्ति प्रखर बुद्धि और गंभीर विचार वाला होता है, साथ ही आकर्षक भाषण एवं अच्छे लेखन शैली का धनी भी होता है। ये लोग नाना प्रकार की विद्याओं में कुशल होते हैं, कोई भी काम इनसे अछूता नहीं रहता। वैसे ऐसे व्यक्ति व्यवसाय एवं विज्ञान के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। लेकिन कई बार बुध पर्वत पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा बुध पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 अक्टूबर को अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:20 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:41 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है, ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का स्मरण करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।